अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अपनी दिलकश आवाज और लोगों के दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद रफी साहब को कौन नहीं जानता। मोहम्मद रफी साहब हिंद के ऐसे कलाकार हुए हैं जो हर दिल में शादो आबाद हैं। इनके गाने, इनके नगमे आज भी लोगों की जुबां पर है। रफी साहब के चाहने वालों का यही कहना है कि आज तक उनके मुकाबले का कोई गायक पैदा नहीं हुआ है जो उनकी तरह दिलों को जीतने का हुनर रखता हो। यकीनन नाजरीन, आपने भी रफी साहब के बहुत से नगमे सुने होंगे, लेकिन नाजरीन क्या आप जानते हैं कि रफी साहब भी कलियर की सरजमी में आराम फरमा अल्लाह के वली हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले थे। मोहम्मद रफी साहब भी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने थे। नाजरीन क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफी साहब ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान में बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा था। अगर आप ये नहीं जानते तो हमारी आज की यह वीडियो आपके लिए है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद रफी साहब का वही कलाम सुनाने वाले हैं जो उन्होंने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान में पढ़ा था। इसलिए नाजरीन आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अजीम मालूमात साबिर पाक के दीवाने और मोहम्मद रफी साहब के चाहने वालों तक पहुँच सके। दर से तेरे फरिश्ते हमें क्या उठाएंगे, कलियर शरीफ छोड़ के जन्नत न जाएंगे। ये रौजा ये रौजे पसंद आई होगी। तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को वली अल्लाह बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम की दरगाह मुबारक पर हाजिर होकर खिराज अकीदत पेश करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।